हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएनएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचटीईटी जो कि बिहार स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से कंडक्ट कराई गई थी, उसका एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपका जो एंसर की है वह जारी किया जा चुका है, आप लोगों ने अपना एंसर की भी मिला लिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने एंसर की नहीं मिलाया वो अपना एंसर की देख सकते हैं। तो लगभग दिसंबर के 19 तारीख को आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि एंसर की जारी कर दिया गया था, और एंसर की मिलाने वाले कैंडिडेट कमेंट करें कि कितना आपका एंसर की में मार्क्स आ रहा है। तो बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो एचटीईटी जो एग्जामिनेशन हुआ था वह आपका 19 दिसंबर को तो आया, तो उसके लगभग जैसे पिछले सारे वैकेंसीज आई हुई थी एचटीईटी की तरफ से, और उनके जो रिजल्ट में बहुत साल ऐसा हुआ है कि कुछ जल्दी रिजल्ट आया है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि देरी से रिजल्ट आया है, और बहुत बार ऐसा हुआ कि 1 से 1.5 महीने के करीब आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से आप देखें तो 19 दिसंबर से एक मंथ अगर जोड़े तो 19 जनवरी होता है। तो अगर हम इस तरह से बात करें तो आपका 19 जनवरी नहीं मानकर आप पूरा जनवरी ले लो, तो जनवरी में आपका 100% है कि आपका रिजल्ट जो है वह आ जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, जनवरी में आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मैं पिछले ट्रेंड के हिसाब से कह रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है। उसके लिए आप मुझे कमेंट में कुछ नहीं बोल सकते हैं कि ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन बताओ, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन पिछले जैसे एचटीईटी एग्जाम के जिस तरह से ट्रेंड चलते हैं, पिछले तरह से जो रिजल्ट घोषित करने में पिछले साल जितना समय लिया गया, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपका 1 से 1.5 महीने समय लेती है एचटीईटी, यानी कि जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, वो लोग 1 महीने के करीब समय लेते हैं। तो अभी आपका 11th 12th का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए अप्लीकेशन मांगा जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कुछ तो आपका टाइमिंग लग सकता है। तो ये पूरा जनवरी जो है आप मान लो कि लग जाएगा, यानी कि जनवरी के अंदर अंदर 2022 में आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी एचटीईटी के रिजल्ट की, तो आप अपनी रिजल्ट उस समय देख सकते हैं। तो जब भी रिजल्ट आएगा, कैसे उसको रिजल्ट को देखना है उसके बारे में हम वीडियो ज़रूर लाएंगे, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट एचटीईटी के बारे में अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।